हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज बनाने जा रही हूँ गाइस रोटी। तो रोटी बनाने के लिए गाइस मैंने आटा गूंद लिया है। आटा गूंदने के बाद गाइस जो उंगलियाँ लगाई जाती हैं, तो इसलिए उंगली लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आटे को गूंदने के बाद प्लेन नहीं रखना चाहिए और इसमें उंगली लगा देनी चाहिए। तो सूखा आटा भी मैंने रख लिया है। तो रोटी बनाने के लिए डो तैयार कर लिया है। चलते हैं गैस की तरफ। गैस को ऑन करेंगे और इस पर रखा है मैंने लोहे का तवा, और लोहे का तवा जो है इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा नमक। तो नमक से गैस क्या रहता है कि जो लोहे का दोष होता है वो हट जाता है। तो इसमें नमक को फेंक देंगे, डस्टबिन में डाल देंगे। तो गाइस डस्टबिन में डाल दिया है, अब इसको पोंछ लेंगे। तवा गर्म हो गया है, चका बेलन लेंगे और लोहे का चिमटा। तो इसमें बनाएंगे सबसे पहले गाय के लिए लोई। तो छोटी सी, ये छोटी सी लोई ले लेंगे गाय के लिए। ऑलरेडी मैं बड़ी ले रही हूँ, क्योंकि गाय को रोटी अच्छी लगती है गाय से। तो रोटी थोड़ी सी मैं बड़ी बना रही हूँ गाय के लिए। इसको बेल लेंगे, पर सूखा आटा डालेंगे। इसको बेल लेंगे, ये गाइस गाय के लिए रोटी है। तवे पे डाल देंगे। इसी तरीके से गाइस रोटी बेल लेंगे, दूसरी भी बेल लेंगे, इसे गोल कर लेंगे, फिर सूखा आटा लगा लेंगे, फिर इसको बेलेंगे। सूखा आटा इस तरीके से लगा लेंगे और इसको बेल लेंगे। तो ये रोटी परफेक्ट बन के तैयार हो गई है। ये रोटी गाइस जो मैंने डाली थी गाय के लिए, तो गौ माता के लिए भोग लगाएंगे इसमें। तो पलट देंगे, ये रोटी उठा लेंगे दूसरी वाली, वो इस पे डाल देंगे और इसको इस तरीके से सेक लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि कितनी परफेक्ट रोटी फूल गई है। तो ये रोटी में गाइस जो भी आप बनाएं भोग खाने में, तो वो इसमें रख के गौ माता को खिलाइएगा, और ये फिर बाद में परिवार में जो भी अवेलेबल हो उनके लिए खाना दीजिएगा। तो गाइस इस तरीके से रोटी को पलट देंगे। पलटने के बाद गाइस इसी तरीके से दूसरी बेल लेंगे, जब तक ये नीचे को एक तरफ पलट दिए मैंने। और ये दूसरी बेल लिए, वो इस पर डाल देंगे और ये सेक लेंगे। वैसे देख सकते हैं कि ये फूल रही है रोटी। इसी तरीके से गाइस रोटी सेकेंगे, ये डाल देंगे और ये देख सकते हैं कितनी बढ़िया फुलकी हुई है, बढ़िया। फुली फुली रोटी। इस तरीके से गाइस रोटी बनाइएगा, और रोटी की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। तो गाइस आपको वीडियो रोटी की वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो बताइएगा। और इसके ऊपर लगाएंगे घी। घी लगाएंगे और इसको इस तरीके से गोल गोल कर लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि रोटी कितनी सॉफ्ट बनी है। इस तरीके से अगर रोटी की वीडियो कैसी लगी बताइएगा, और देखिए कितनी फूली हुई है ये। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।